अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फैजान। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग ट्रैवल व्लॉग। वेलकम टू जोंगटोंग सीरीज पार्ट वन। पार्ट वन में आपको जोंगटोंग प्लांट का विजिट करवाया जाएगा, पार्ट टू में जोंगटोंग कंपनी के ऑनर का इंटरव्यू होगा और पार्ट थ्री में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो कि हम बस यहाँ से लेके जाएंगे उसका। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ कराची में जोंगटोंग बस के प्लांट पे। जिस तरह के आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई थी, जोंगटोंग की बसेस पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं, जिसको अल हाज मोटर्स यहाँ पे मतलब असेंबल कर रहे हैं। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह एक बस को तैयार किया जाता है, किन किन मराहल से गुजरती है वो, और जोंगटोंग का कौन सा वेरिएंट पाकिस्तान में मतलब अब ये आपको देखने को मिलेगा और इसके क्या खास फीचर हैं, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो मैं इस टाइम प्लांट में आ चुका हूं, आए मेरे साथ, आपको प्लांट का रिव्यू करवाते हैं और देखते हैं कि बस कैसे बन रही है। तो आए व्यूअर्स, चलते हैं प्लांट के अंदर और देखते हैं अंदर कैसे। तो ये है वो जगह जो कि मतलब ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं किसी बाहर की कंट्री में आ चुका हूँ। एंड ये मेरा एक टाइप का ड्रीम था कि जो बसेस को तैयार किया जाता है वो मैं देखना चाहता था और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि बसेस कैसे बनती हैं। तो आए देखते हैं। तो व्यूअर्स, जोंगटोंग के असेंबली प्लांट पे मैं आ चुका हूँ, साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट यहाँ के। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। अच्छा सर, काइंडली आप हमें बताइएगा कि सबसे पहला स्टेप कौन सा है और उसके साथ आप हमें एक्सप्लेनेशन देते जाइएगा कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। सर, सबसे पहले जो हमारा इनिशियल प्रोसेस है ये वेल्डिंग लाइन का प्रोसेस है। यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है वो मोनोकोप बस तैयार हो रही है। इससे पहले जो है ना पाकिस्तान में यहाँ पे मोनोकोप बस नहीं तैयार हुई कभी भी। ये फर्स्ट टाइम जोंगटोंग का प्लांट लगा है और माशाल्लाह बहुत ही जो है ना वसी पैमाने पर ये प्लांट लगा है। तो मोनोकोप बसेस हम तैयार कर रहे हैं और 100% जो है इसकी CKD चाइना से आ रही है और यहाँ पर जो है ना इसको हम असम्बल कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स की नॉलेज के लिए काइंडली आप CKD की एब्रिविएशन बता दीजिएगा, ये क्या चीज़ है? कंप्लीट नॉकडाउन। अच्छा, ये CKD और CBU में क्या फ़र्क होता है? CKD जो है वो तमाम पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आते हैं एक जो है ना पार्ट्स की शेप में, जो उसे हम जो है वो कंप्लीट जो है ना वो एक यूनिट तैयार करते हैं। और CBU है जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट होता है, जो हमारे पास पूरी गाड़ी बाहर से कंप्लीट असम्बल होकर आती है। चलें सर, आप मेरे साथ चलते जाइएगा और काइंडली सारा कुछ। ये हमारी वेल्डिंग शॉप है सारी, जिसमें जो है वो अलग अलग जो जिग्स हैं, जैसे रूफ की है, मेन असम्बली की है, साइड की है, तो ये सारी हमारी जो है ना ये तैयार हो रही है यहाँ पे। ये वेल्डिंग का मेन प्रोसेस है, ये मेन जिग है वेल्डिंग। इसके अलावा इसके बाद जो है आगे हमारी जो है ना वो बॉडी की अलाइनमेंट वगैरह होती है, मेटल फिनिश लाइन है, उसके बाद जो है वो पेंट का प्रोसेस है। अच्छा, ये एक प्रोसेस कितना टाइम टेकिंग होता है? सर, ये डिपेंड करता है कि अभी तो हमारे जो स्टार्टिंग जो है वो यूनिट्स थे तो सैंपल की थी, तो उस पर कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी हुए हैं, चाइनीज़ जो है वो हमें सैंपल तैयार करवा रहे थे। तो जो है ना इसमें डिफरेंट एक इसका प्रोसेस है। स्टार्ट वाले जो प्रोसेस में जो है वो मतलब हमें एक पूरा स्केड्यूल चाइना से मिला हुआ था कि इस स्केड्यूल के मुताबिक आपने जो है ना बसें तैयार करवानी हैं, तो उस हिसाब से हमारे उस स्केड्यूल से बसें तैयार हुई हैं यहाँ पर। अच्छा सर, काइंडली बताइएगा आप यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर सर ये मेन जो है ना मेटल फिनिश लाइन है, जब गाड़ी वेल्डिंग से क्लियर होके आ जाती है तो यहाँ पे बॉडी की अलाइनमेंट वगैरह होती है, अगर कोई डोर की एडजस्टमेंट होनी है, लिडों की एडजस्टमेंट होनी है या लॉक्स की उसकी एडजस्टमेंट हो रही है तो वो यहाँ पे होती है। ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा था कि CBU और CKD में क्या फ़र्क है, तो ये जैसा कि ये हमारी जो कंडीशन है पड़ी हुई पार्ट्स की, ये है CKD और CBU में फ़र्क है कि मतलब जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट बन के आता है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि CBU और CKD में क्या फ़र्क है, तो ये हमारे पास जो कंडीशन पड़ी हुई पार्ट्स की ये CKD है।
कंप्लीट सीकेडी में आ रहा है, और फिर जो है हम यहाँ पे असेंबल करके वेल्डिंग पेंट और बॉडी को असेंबलिंग करके तो फिर ये एक सीकेडी यूनिट तैयार करते हैं। आई होप व्यूवर्स आपको सीकेडी और सीबीयू के बारे में डिफरेंस पता लग गया होगा, क्योंकि मुझे सवाल आ रहे थे इस बारे में कि आप काइंडली इसका डिफरेंस बताइएगा। तो अब आगे चलते हैं। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है मैनेजर पेंट प्रोडक्शन, तो इनसे हम पूछते हैं कि पेंट कैसा होता है बस में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी ये कि हमारे पास सबसे पहले हमारी गाड़ी में स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास जो गाड़ी आ रही है उसमें ये इसको आपने दिखाना है स्पेशल। अच्छा, अभी कैमरा लेके आपने स्पेशल इस ईडी को दिखाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ईडी कोडेड पेंट ऑलरेडी हमारी गाड़ी के जो पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं इसके अंदर हुआ हुआ है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट है जो कि जंग को 700-800 घंटे के लिए प्रोटेक्ट कर देता है, जो कि अभी तक हमारे यहाँ जितनी पाकिस्तानी बसें बन रही किसी के अंदर नहीं है। अभी बॉडी शॉप से गाड़ी लेने के बाद पेंट शॉप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले जो है हम लोग गाड़ी पे प्राइमर करते हैं, तो प्राइमर बूथ में मैं आपको लेके जा रहा हूँ किस तरह गाड़ी मूव होती है। ओके, बॉडी शॉप से गाड़ी जब इन करते हैं तो हमारे पास सामने तीन बूथ मौजूद है। सबसे पहला बूथ हमारे पास प्राइमर है, सेकंड बूथ हमारे पास टॉपकोट बूथ है, और जो तीसरा बूथ है हमारे पास वो डिज़ाइन बूथ है। तो बॉडी शॉप से गाड़ी आने के बाद लिफ्ट पे हम ऑपरेट करते हैं। बॉडी शॉप से गाड़ी आने के बाद सबसे पहले गाड़ी प्राइमर होती है, और स्प्रे बूथ के अंदर हमारे पास जो है स्पेशल सिस्टम हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास जो लिफ्ट इस्तेमाल हो रही है पेंटिंग के लिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लिफ्ट हमारे पास इस्तेमाल हो रही है पेंटिंग के लिए, ये 3D लिफ्ट कहलाती हैं। इसके अंदर 3 मूवमेंट है, फ्रंट, रियर, अप एंड डाउन, और क्लोज होती है ये आपस में। और स्प्रे बूथ है, इसके अंदर शावरिंग का फिल्टर का सिस्टम इन से एयर लेती है, ऊपर से एयर आ रही है और नीचे उसके डाउन है। पेंट सर्कुलेशन, वाटर की सर्कुलेशन नीचे बॉटम में चल रही है, जिससे ये कि जो फ्यूम्स हैं वो वेदर के अंदर भी इफेक्ट नहीं करते एनवायरमेंटल तौर पे। तो यहाँ हमारे गाड़ी की स्प्रे होता है, और इस बूथ का जो कि चाइना से तब हमने 100% को लगवाया है, इसलिए इसके अंदर जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन है। प्राइमर के बाद गाड़ी पुटी होती है हमारी, पुटी एप्लीकेशन के बाद सेंडिंग होती है, और सेंडिंग के बाद दोबारा गाड़ी जो हमारी टॉपकोट के लिए आ जाती है। ये बूथ जो हमारा सेकंड वाला है ये टॉपकोट का है। टॉपकोट होने के बाद गाड़ी दोबारा बाहर आ जाती है, इस पर हम डिज़ाइन का काम करते हैं। डिज़ाइन के काम के बाद गाड़ी हमारी जो पेंटिंग के लिए आती है, डबल टून पेंटिंग का बूथ कहलाता है वो हमारा, वो ये स्प्रे बूथ है। डबल टून पेंटिंग होने के बाद गाड़ी हमारी रिपेयर पर आ जाती है, जो कि दोबारा लिफ्ट को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद वो रिपेयर का प्रोसेस रहती है, रिपेयर का भी आप ही करेंगे? हाँ, रिपेयर से होते हुए वो हम असेंबली में चले जाएंगे। अच्छा सर, हमें इस चीज़ का यूज़ बताएं कि इसको बस को वहाँ ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बस मूविंग लिफ्ट है, कम स्पेस होने की वजह से और फास्ट काम करने की वजह से ये लिफ्ट हमने बनाई हुई है। अच्छा। इसके अंदर बस को किसी भी स्टेज पे लेके जाना हो तो इसके अंदर हम उसको मूव करते हैं। जब डिज़ाइन बूथ के बाद गाड़ी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी आएगी हमारे पास, तो सामने इंस्पेक्शन का एरिया का प्रोसेस है, तो गाड़ी यहाँ से इस ट्रैक के अंदर सामने इंस्पेक्शन एरिया में आ जाएगी, और यहाँ पर गाड़ी आके लग जाएगी। यहाँ पेंट की इंस्पेक्शन होगी, पेंट इंस्पेक्शन के बाद जो भी उसमें काम है, रिपेयर के, फाइनल रिपेयर के सारे काम होंगे, इसके बाद गाड़ी हम असेंबली शॉप में डिलीवर कर देंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी गाड़ी में ऑलरेडी टॉप कोट पेंट फाइनल हुआ हुआ है। इसके अंदर टोटल जो हमारे माइक्रोन्स की लेयर है 230-250 माइक्रोन्स, इस पर पेंट की कोडिंग हुई हुई है। ये जो ब्लैक कलर मुझे नज़र आ रहा है ये इसका टॉपकोट है। इसके बाद गाड़ी हम डिज़ाइन का वर्क किया है, जो येलो के पट्टे डले हुए हमारी गाड़ी के अंदर डिज़ाइन का काम है। इसके बाद दोबारा इस पर किलर की कोडिंग हुई है। गाड़ी का इंजन एरिया, इंजन रूम है हमारे पास, स्पेशली एक VCI का इंजन इस्तेमाल हो रहा है 24 वाल्व है, जो पाकिस्तान में किसी भी बस के अंदर नहीं है। 24 वाल्व होने की वजह से इसकी फ्यूल की कंजम्पशन बहुत कम है। अच्छा, और इसमें इसकी जो कैपेसिटी 23 लीटर फ्यूल इसके अंदर ऑयल आता है। अच्छा सर, क्या ये वही इंजन है जो कि ज़ोंगटोंग पहले हमें मिल रहे थे वेरियंट्स, क्या इसमें चेंज की गई है? जो ज़ोंगटोंग, जो यूटोंग में या अदर जो कंपनियां बस के इंजन इस्तेमाल कर रही हैं वो 12 वाल्व हैं, हमारा जो ये इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर 24 वाल्व है, जिसकी वजह से फ्यूल की बड़ी सेविंग है इसके अंदर। सही, ये इसमें चेंज है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये गाड़ी में ये जो कंपार्टमेंट हम अभी आपको दिखा रहे हैं ये बैटरी का है,
और इसके बाद ये टूल्स वगैरह का है, और ये ड्राइवर रूम कहलाता है, ड्राइवर के रेस्ट के लिए जो कि इसके अंदर वर्किंग अभी चल रही है। ये वेयर हाउस लिट कहलाती हैं जो कि बहुत बड़ा एक स्पेस है कस्टमर के लिए सामान रखने के लिए इसके अंदर। ये फ्यूल कंपार्टमेंट है, दो टैंक लगे हुए फ्यूल के, तकरीबन 800 लीटर इसमें फ्यूल इसमें आ रहा होता है। अच्छा, इसका जो इंटीरियर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिजनेस क्लास बस है हमारी, 45, 42+1+1 के लाती है। ये जो जिस कंपार्टमेंट में अभी हम खड़े हुए हैं ये बिजनेस क्लास है, उसके बाद इकोनॉमी क्लास आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर सामने अभी ट्रिम की प्रोसेस चल रही है, डैशबोर्ड है हमारे पास, सामने ड्राइवर रूम है जहाँ ड्राइवर बैठ के ऑपरेट करेगा। तमाम गाड़ी को अंदर डेकोरेट किया गया है, कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई है जिसकी वजह से आपको लगे फाइबर के पार्ट के साथ, प्लास्टिक की एक्सेसरीज के साथ इसको डेकोरेट किया गया ताकि खूबसूरती हो, मुसाफिर बैठ के जो है इसके अंदर बड़ा आरामदेह फील करें। ये जो सीटें हैं ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमारी कंपनी लगा रही है, इतनी खुशादा सीटें हैं और इस लोकेशन के साथ, इस फॉर्म के साथ इससे पहले किसी ने भी नहीं लगाई हैं। ये जो हमारे पास अभी जिसमें हम चल रहे हैं ये इकोनॉमी क्लास है, इसके अंदर देखें इसके अंदर बैठना और आरामदेह सफ़र के तौर पर बिल्कुल कस्टमर के लिए बड़ा आरामदेह है इसके बैठना। इसके अंदर जितनी भी ये हमारी सीटें लगी हुई हैं इसकी कंफर्टनेस के लिए जो है सबसे पहले बैक रेस्ट का ये ऑप्शन है, ये आप बैक रेस्ट है, ये हमारा नीचे हैंडल लगा हुआ है, ये लेग रेस्ट है, और आप ये जो फुट रेस्ट है हमारा, ये तो आरामदेह सफ़र आप इस पर कर सकते हैं और ये फील नहीं होता कि आप जो है ना थकावट महसूस हो रही है या जितना भी लंबा सफ़र हो, आप जो है ना इजीली कंफर्टनेस के साथ जो है ना सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में बता दीजिए। ये जैसे कि इससे पहले जितनी भी बसेस पाकिस्तान में बन रही हैं तो ये मेनली जो इसका पर्पस है कि गाड़ी जब चल रही होती है या ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है, अगर पैसेंजर ने जाना है उठ के या किसी से अपने मतलब जो पैसेंजर कोई रिलेटेड उसके साथ है उससे मिलना है, तो वो इजीली इसके सपोर्ट के साथ यहाँ पे ट्रैवल मतलब कर सकता है और यहाँ पे वॉक कर सकता है। इसके अलावा तो, आप कह सकते हैं कि इसके अलावा ये है हॉस्टेस को भी ये है कि अगर ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है वो इसकी काफ़ी सपोर्ट मिलती है ताकि वो वॉकिंग आराम से कर सके। अच्छा, जैसा कि अभी यहाँ से ट्रिम लाइन से गाड़ी फाइनल होने के बाद जो है गाड़ी मूव होती है टेस्टर लाइन पे, तो अब हम आए हैं टेस्टर लाइन पे, चलते हैं और आपको उसके पूरे प्रोसेस का बता दें। अब आते हैं टेस्ट लाइन की तरफ। यहाँ पर बस को चेक करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें बस की चीज़ों को देखा जाता है, व्हील्स को देखा जाता है, अलाइनमेंट देखी जाती है, हेड लैम्प, स्पीडोमीटर, साइड स्लिप टेस्ट, मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, देन बस को क्लियर किया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस में भेजते हैं। तो बस फाइनली मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है, आपके सामने है, बड़ी लश पश कर रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये फाइनल वेरिएंट है, ये फाइनल मतलब सारे प्रोसेस से गुजर के आगे अब यहाँ पे इसको एंड पे मतलब कंप्लीट किया जा रहा है। तो इसके बाद बस जो है कस्टमर्स को डिलीवर की जाती है।